भाई ध्यान देना ना, कम इधर बोलो, अच्छी कम अच्छी कम इधर 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 सेंटर आएगा। सबसे पहले तो आवाम जानना चाहती है कि मतलब आज किस चीज के लिए सेलिब्रेट कर रहे हैं। एक्चुअली आज जो हमारा बिग बॉस इतना बड़ा जो हमारा सीज़न का हिट रहा है और इतने सारे दोस्त बने हमारे, तो हमने उनके लिए ख़ास तौर पर पार्टी दी है कि हमारे जो बिग बॉस 11 के कंटेस्टेंट हैं हम उनको खुश करें और उनके लिए पार्टी दें। वैसे मैं फिनाले से ही खूबसूरत दिख रही हूँ, पता नहीं क्या हो गया, लेकिन हाँ बस यही है कि आवाम खुश रहे और यार थोड़ी इज्जतदार खबरें छापा करो। अभी वो थोड़ी बातचीत चल रही है लेकिन इंशाल्लाह जब हो जाएगा पूरा काम तो हम आपको आगे की चीज़ें बता देंगे। पार्टी में जो हमारे टीवी इंडस्ट्री के लोग हैं वो सब आएंगे, मेरे जो जो मेरे करीबी दोस्त रहे हैं बिग बॉस के अंदर वो सब आएंगे, क्योंकि होस्ट मैं ही हूँ। मैंने सबको इनवाइट किया है जो जो मेरे करीबी लोग हैं, लेकिन उनकी मर्जी है, उनको आना रहेगा तो हम उनको तहे दिल से उनका इस्तकबाल करेंगे और बहुत अच्छे तरीके से उनकी मेहमान नवाजी करेंगे। जी मैंने हिना से बात की लेकिन व्हाट्सएप पे बात हुई मेरी, मैंने उन्हें कॉल नहीं किया। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, शिल्पा उनसे 15 साल बड़ी हैं, उनकी कोई शादी नहीं होने वाली है। हो जाती है तो देखते हैं आगे क्या होगा, लेट्स सी। देखिए अगर वो सामने नहीं आ रही है तो या तो वो बहुत ज़्यादा खुश है या फिर वो बहुत ज़्यादा दुखी है। विकास आ जाए अभी उससे पूछिएगा, उसने मेरे अकाउंट में अभी तक ट्रांसफर नहीं किया है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने जो डिसाइड किया जो 6 लाख रुपए हमने उनके लिए मैंने जो उनको टास्क में जितवाए थे अर्शी की चाहत में, तो उन्होंने हाफ हाफ डिवाइड किया। ज्योति भी आई हुई है, ज्योति से भी प्लीज़ सवाल पूछिएगा, वो भी आई है अभी थोड़ी देर में, वो भी पहुँच रही है। मैं वैसे मेरे पास बहुत सारे ऑफ़र आए, हमारे होस्ट के आए हैं, साउथ इंडस्ट्री से आए, तो इंशाल्लाह मैं आपको मूवीज़ में ज़रूर दिखूंगी। नहीं नहीं मैं आपको क्लियर कर दूंगी, वो 3 साल पुरानी बात है कि मैं और अब मेरी दोस्त कुछ मजाक कर रहे थे बाहर बैंड्रा साइड पर, और हमने एक बुके लेकर सलमान की, हमने कहा दिख जाए इतनी बड़ी शख्सियत है हमें दिख जाए, तो 3 साल पहले हमने हंसी मजाक